हैबिट कैसे क्रिएट की जाती है? तो संदीप महेश्वरी जी की वीडियो चल रही है, जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है या वीक है, मैंने भी अपना वेट लूज किया है, लगभग 10 से 12 केजी वेट लॉस हो रहा है, आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है, आप इम्यूनिटी इंक्रीज कर पा रहे हैं, आप पैसे बचा पा रहे हैं, आप स्ट्रेस रिलीज कर पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल में और हम आपके लिए एक और व्लॉग वीडियो लेके आए हैं। आज मैं आपको साइकिलिंग के बेनिफिट्स और साइकिलिंग की हैबिट कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग साइकिल खरीद लेते हैं, घर में रखी रहती है, चलाने की हैबिट नहीं है इसलिए वो पड़ी रहती है, और कई लोगों को साइकिलिंग के बेनिफिट्स के बारे में भी नहीं पता। तो आज हम साइकिलिंग की हैबिट कैसे क्रिएट की जाती है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पिछले 6 महीनों से मैंने भी ये हैबिट क्रिएट की है और मैंने भी अपना वेट लूज़ किया है, लगभग 10 से 12 केजी। तो चलिए आपको बताते हैं कि साइकिलिंग के बेनिफिट क्या क्या हैं और साइकिलिंग की हैबिट कैसे क्रिएट की जाती है। दोस्तों आपको पता ही है कि जब तक हमें किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं होता है तो हम वो चीज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं साइकिलिंग के बेनिफिट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको इसको करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। साइकिलिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं वैसे तो, बट मैं आज जो 5 बेनिफिट मुझे लगते हैं वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो बेनिफिट है, आजकल कोरोना के टाइम पे सारे जिम बंद पड़े हैं और बीच बीच में खुल रहे हैं, बीच बीच में फिर बंद हो रहे हैं, तो इस टाइम पे रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो साइकिल अगर आपके पास है, महंगी नहीं, कोई ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइकिल आपके पास है तो आप लॉकडाउन में भी, अगर लॉकडाउन अभी तो खुला हुआ है, वैसे अगर लगता है आगे फ्यूचर में भी, तो आपकी एक्सरसाइज रुकने वाली नहीं है, आप मॉर्निंग इवनिंग कोई भी टाइम साइकिलिंग कर सकते हैं। और इम्यूनिटी, जो एक इम्यूनिटी की बात आ रही है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कोरोना के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी तभी अच्छी होती है जब हमारा हार्ट ब्लड फ्लो को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है या वीक है, उनके लिए साइकिलिंग बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो इम्यूनिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। तो साइकिलिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहती है। जिन लोगों का सिटिंग जॉब है, 8-10 घंटे 12 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं और सिटिंग वॉक करते हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है। तो अगर आप स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं और अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो साइकिलिंग से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग जॉब पे जाते हैं और 5-6 बजे फ्री हो जाते हैं तो आप शाम का टाइम चूज़ कर सकते हैं साइकिलिंग करने के लिए। अगर मैं साइकिलिंग को जिम से कंपेयर करूं तो ये बहुत मनी सेविंग है, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद 1-2 महीना जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो पैसा वेस्ट हो जाता है। कई बार हम 6 महीने का एडवांस में पे कर देते हैं और 1 महीना जाते हैं, उसके बाद फिर से हम जिम छोड़ देते हैं, तो वहाँ जो 5 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपका पेंडिंग था वो वेस्ट हो गया, वो पैसा वेस्ट हो गया। तो जब आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल आपने लेके रखी, ये एसेट है आपका, ये आपके घर खड़ा है, अगर बीच में आपका स्किप हो भी रहा है पर चीज़ आपके घर खड़ी है, तो उसका बेनिफिट ये है, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे और आपको मंथली सब्सक्रिप्शन, मंथली रेंटल जिम का देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपनी चीज़ है, जब दिल किया आप इसको चला के जा सकते हैं।
साइकिलिंग का एक और बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि हम अपना फेवरेट म्यूज़िक, फेवरेट ऑडियो बुक इसके साथ साथ सुन सकते हैं। साइकिलिंग पे आप एक मोबाइल स्टैंड लगा के अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं हेडफोन लगा के। और यहाँ पे वीडियो चल रही है। याद भी होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब मैं पुणे के एक एमबीए कॉलेज में गया था। तो संदीप महेश्वरी जी की वीडियो चल रही है, मोटिवेशनल वीडियो। आप कुछ भी सुन सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी कोई ऑडियो बुक, कोई फेवरेट आपकी ऑडियो बुक है वो सुन सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, सब लोग पूछते हैं कि क्या साइकिलिंग से वेट लॉस होता है, तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल होता है। मैं लास्ट 6 मंथ से साइकिलिंग कर रहा हूँ और तो मैंने लगभग 10 से 12 केजी वेट लॉस किया है। तो इससे अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता है? आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है, आप इम्यूनिटी इंक्रीज कर पा रहे हैं, आप पैसे बचा पा रहे हैं, आप स्ट्रेस रिलीज कर पा रहे हैं। तो इतने सारे बेनिफिट साइकिलिंग के हैं। तो आज से ही आप अगर वेट कर रहे हैं साइकिलिंग करने का, सोच रहे थे, तो आप साइकिलिंग करना शुरू कीजिए, किसी की वेट मत कीजिए। तो साइकिलिंग के फ़ायदे तो आपने समझ लिए सारे। अब मेन बात आती है कि साइकिलिंग की हैबिट को कैसे क्रिएट किया जाए। साइकिल की हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए एक साइकिल। महंगी साइकिल लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सस्ती साइकिल से शुरुआत की जा सकती है। और आपको करना ये है कि आपको एक टाइम फिक्स करना है, मॉर्निंग का या इवनिंग का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना है, और 10 मिनट के लिए आपको टाइम निकालना है। आपको साइकिल को अपने साथ 10 मिनट तक लेके जाना है, अगले सात दिनों तक आपको उसको अपने साथ रखना है, वॉक करना है साथ में। अपना फेवरेट आप म्यूज़िक सुनो, कोई सॉन्ग सुनना है, ऑडियो बुक सुननी है, तो अगले 7 दिनों तक आप उसको अपने साथ वॉक करके लेके जाएंगे। नेक्स्ट वीक से मतलब 8वें दिन आप उसी रूट को फॉलो करें, वही टाइम को फॉलो करें, और टाइम भी वही रखें 10 मिनट का ही, बट इस बार आप साइकिल को चलाएंगे। तो एक वीक तक अब आपने ये करना है कि 10 मिनट तक नेक्स्ट वीक पूरा आपने उसको चलाना है। थर्ड वीक आपने अपने टाइम को इंक्रीज करना है, 10 मिनट से आप 15 मिनट 20 मिनट अपने मूड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं। और फोर्थ वीक यानी चौथे हफ्ते में उस टाइम को आपने हाफ एन आवर में कन्वर्ट कर देना है। और फिफ्थ वीक आप इसको 45 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो फाइनली चौथे वीक आप फील करेंगे कि मैं ये हैबिट क्रिएट कर पाया। अगर आप शुरू में सोचेंगे कि आधा घंटा 45 मिनट डेली मैं साइकिलिंग कर लूँगा, तो वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, और हैबिट भी नहीं है, आप छोड़ दोगे 2 से 3 दिन में। तो इसीलिए ये फार्मूला मैंने अपने लिए यूज़ किया है, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हैबिट क्रिएट हो जाएगी। कुछ कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम साइकिलिंग नहीं चला पाते हैं, तो उस वक्त आप वॉक कर सकते हैं, जहाँ भी हैं उसी टाइम पे वॉक करें, उसी टाइम पे निकलें, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे कि हमें इस टाइम पे वॉक करनी है या इस टाइम पे हमें साइकिलिंग करनी थी। तो कई बार मूड नहीं होता है, पर ट्राई करना है कि 7 दिन में से 6 दिन तो कम से कम आप उस रूटीन को फॉलो करें। एक आधा दिन मिस होगा, नो डाउट, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मिस करना पड़ जाता है, बट डेफिनेटली ये वाला जो फार्मूला है मैंने अपने ऊपर यूज़ किया है, तो आप भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये थे सारे साइकिलिंग के बेनिफिट और साइकिलिंग की हैबिट क्रिएट करने के टिप्स और ट्रिक्स। जब हम बात करते हैं रोड पे चलने की, तो रोड सेफ्टी की भी बातें आती हैं,
तो दो तीन रोड सेफ्टी से रिलेटेड बातें मैं लास्ट में करना चाहता हूँ आपके साथ कि जब भी आप घर से निकलें तो ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करें, कोई भी रेड लाइट क्रॉस ना करें, और जब भी रोड क्रॉस करना है तो दोनों तरफ देख के रोड क्रॉस करें। अगर आप इवनिंग में साइकिलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ कोई ना कोई एक जो हेडलाइट है आप साइकिल में लगवा लें, या कोई टॉर्च का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रैफिक के रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मैं कोई पॉइंट इसमें मिस कर गया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आपने साइकिलिंग स्टार्ट की कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।